देखिए कितना कुरकुरा बना है, कट करके दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए हमने ली है पत्ता गोभी, गाजर, कद्दूकस की हुई, पनीर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, जीरा, एक बड़ा प्याज इस तरह से कटा हुआ, सिमैया लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये फ्राइड राइस का मसाला है। ब्रेड हमने इस तरह से इसकी किनारियों को निकाल लिया है। कढ़ाई में मेरा ऑयल गरम हो गया है, तो सब्जी को हमें फ्राई कर लेना है। ऑयल गरम है, ऐड करेंगे जीरा, प्याज, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी भुन गई है तो ऐड कर देंगे पनीर, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। ऐड कर देंगे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और फ्राइड राइस का मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दो से तीन मिनट के लिए ढककर पकाएंगे मीडियम गैस पर, ताकि हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक जाए। सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक गई है, ऐड कर देंगे हरा धनिया, गैस को कर देंगे बंद। सिमैयों को हमें इस तरह से पतला पतला कर देना है और सब्जियां भी हमारी ठंडी हो गई हैं, तो ब्रेड रोल बना लेते हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है, तो ब्रेड को हमें पानी में करके इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ देना है। सब्जियां ऐड करेंगे, इसी तरह से हमें दूसरा ब्रेड को गीला करके इसके ऊपर रखना है और हल्के हाथ से दबाना है। हल्के हल्के हाथ से हमें सारा पानी निकाल देना है ब्रेड का, इस तरह से। इस पे सिमैया लगा देनी है हमको। अच्छी तरह से सिमैया इस पे लगा देनी है। इस तरह से सिमैया हमें लगा देनी है। ऑयल हमारा गरम है, गैस मीडियम रखेंगे। मीडियम गैस पे सेकेंगे। तो हमें इसी तरह से सेकने हैं, तो सारे ब्रेड रोल को हमें सेक लेते हैं। तो हमारी ब्रेड रोल की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ब्रेड रोल की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ब्रेड रोल की रेसिपी कैसी लगी।